नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। गंगोत्री से गौमुख 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहले 2 किलोमीटर चलकर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एंट्री गेट तक पहुंचेंगे, फिर वहां से आगे 16 किलोमीटर। अगर आप पोनी पर यह यात्रा करना चाहते हैं तो आप भोजवासा तक जा सकते हैं। आखिरी के 4 किलोमीटर भोजवासा से गौमुख आपको पैदल ही जाना होगा। रोज़ कितने ट्रैवलर ये यात्रा कर सकते हैं वो नंबर फिक्स्ड है, जो कि लगभग 150 के आसपास है। मेरी सजेशन में आपको परमिट एडवांस में ऑनलाइन निकलवा लेना चाहिए। ऑनलाइन परमिट निकलवा लेने के बाद जब आप गंगोत्री की ओर आ रहे होंगे तो आप उत्तरकाशी में रुकिए और वहाँ पर जाके अपने परमिट पर डेट डलवा लीजिए। वैसे ये काम गंगोत्री में भी हो सकता है, लेकिन एडवांस में डेट डलवाने से एटलीस्ट आप श्योर हैं कि आप अपनी डेट्स के मुताबिक ये यात्रा कर सकेंगे। इस यात्रा से जुड़ी हुई हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ने को मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जर्नी आप खूब इंजॉय करेंगे। कितना पानी है, गंगा भैया की जय। ये भाई साहब हैं जो एज ए गाइड हमारे साथ चल रहे हैं। दोस्त आपका नाम? विपिन सिंह सर। ठीक है, चलो जी विपिन जी के साथ यात्रा आरंभ की जाए। अभी हमने 300-350 मीटर की यात्रा करी है। आप सामने देखिए सुमेरु पर्वत बर्फ से ढका हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए आगे की यात्रा कंटिन्यू करें। ओह गॉड, ये लकड़ी की पगडंडी के ऊपर हम देखिए कितने आराम आराम से चल रहे हैं। बाय गॉड, बहुत मजा आया सर। स्नो है बस आगे, बहुत स्नोफॉल हुई थी। स्नोफॉल होगी शाम को, ठंड इतनी कड़क थी, मतलब ऑक्सीजन की दिक्कत थी। वो जैसा रात को सोना कंफर्टेबल था? बहुत बढ़िया था, मतलब ये था बस हम लोग पतली हवा थी तो बंद कमरे में सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, नींद टूट रही थी। अच्छा, बाकी तो ओवरऑल बहुत शानदार है, बहुत मजा। आपको अपने से मौसम नहीं देखा होगा। अच्छा, हाँ। और स्नोफॉल कल कितनी देर हुई है? स्नोफॉल रात भर 4 बजे से शुरू हो गई थी, मतलब पूरे कान में आवाज पड़ रही थी हमें। भाई गॉड, तो हम ये पूरी जर्नी 24 दिन में कर रहे हैं। 24 डेज देखेंगे सर, ये वीडियो भी वेट रहेगा। ओके सर, गुड डे, बाय बाय, नाइस मीटिंग यू। भाई गॉड क्या व्यू है, सुपर। बताओ पत्थरों के बीच से ये फिसल सकते हैं, मतलब ये नहीं फिसलेंगे हम, फिसल सकते हैं। ये देखो कितना शानदार रास्ता है, ऐसे लकड़ी के छोटे छोटे पुल बने हुए हैं, संभल के चलना होगा। ऐसे रास्ते में ना पाँव फिसलने का रिस्क भी है कि कहीं पे पाँव अगर गलत पड़ गया, जैसे यहाँ पाँव ऐसे रख दिया तो पाँव मुड़ सकता है, तो ये बात का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि पाँव हमेशा प्रॉपर ग्रिप में ही रखा जाए। गंगोत्री से 5 किलोमीटर हम गौमुख के रास्ते में आए हैं, तो देखिए आप पहला ग्लेशियर ठीक हमारे सामने। इसमें ये क्रैक देख रहे हो आप, कम से कम 4 से 6 फीट बड़ा है। नीचे से गंगा नदी बह रही है, पूरा ग्लेशियर मिट्टी से ढका हुआ है। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पूरा पिघल जाएगा और पानी में बह जाएगा। सामने गंगा जी ग्लेशियर के नीचे से निकल रही हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर पूरा ये पोर्शन मिट्टी से ढका हुआ है, अगर बर्फ को ध्यान से नहीं देखो तो लगता है ये मिट्टी का पहाड़ है। आज हमने सुबह चेक किया था, पोनी नहीं चल रही थी, तो हमें बताया गया था पोनी कल से स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी रास्ते में ना काम चल रहा है, रास्ते को थोड़ा पक्का किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर पोनी का चलना सेफ रहे। एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे हम इस समय खड़े हैं। अब देखो रास्ता कितना छोटा है कि अगर किसी को क्रॉस करना है तो मुझे यहाँ से हटना होगा।
बर्फ के ऊपर से चल रहे हैं। वैसे ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा नया माइक्रोफोन है रोड गो, ये वायरलेस काम करता है 100 मीटर्स डिस्टेंस पे। अब देखो वीडियो देखोगे पता लगेगा इसका ऑडियो क्वालिटी कैसी है, हालांकि इसको यहाँ लगा लेना चाहिए लेकिन आसानी के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं इसको भोजपात्र का पेड़ बोलते हैं, हिमालय में पाया जाता है, बद्रीनाथ धाम के ऊपर, यमुनोत्री के ऊपर, या इस समय हम देख रहे हैं गौमुख के रास्ते में। पुराने ज़माने में महाभारत के समय इसकी छाल को इस्तेमाल किया जाता था वेद पुराण की रचना करने के लिए। चिड़वासा में आपका स्वागत है। 9 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया। फॉरेस्ट चेकपोस्ट गंगोत्री से यहाँ पहुँचने में हमें 4 घंटे लगे हैं। 9:15 में वहाँ से चले थे और 1:15 में यहाँ पहुँचे हैं। मैगी मिलती है यहाँ पर और चाय मिलती है। थकान तो हो गई है, ये झूठ होगा बोलना कि हम थके नहीं हैं, थक गए हैं, इसे पता लगता है हमारा स्टेमिना कमज़ोर है। अभी हमको यहाँ से 5 किलोमीटर और जाना है भोजवासा, उसके आगे गौमुख तो आज जा पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 1 किलोमीटर कवर करने में हमें लगभग 35 मिनट से 40 मिनट लग रहे हैं एवरेज, तो समझ लीजिए 5 किलोमीटर में 3 घंटे तो लगेंगे। थकान हुई नहीं डर, थोड़ी मेरे को ज़्यादा होगी थकान। चाय ख़त्म करते हैं और फिर आगे चलते हैं। मौसम देखिए ऐसा लग रहा है बरसात हो सकती है, हमने अपने साथ रेनकोट कैरी किया तो दैट वे बरसात हो भी जाएगी तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। अभी तक की यात्रा में मुझे कहीं पर भी प्लास्टिक वेस्ट या किसी भी और प्रकार का वेस्ट देखने को नहीं मिला, जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं। जब हम गंगोत्री से गौमुख के लिए यात्रा अपनी आरंभ कर रहे थे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एंट्री गेट है वहाँ पर हमारा बैग चेक किया गया था। उन्होंने लिस्ट बनाई कि आप क्या क्या साथ कैरी कर रहे हो और इनके रैपर्स आपको वापस लेके आना चाहिए। रिटर्न में बोला कि हम इसको क्रॉस वैलिडेट करेंगे, अगर आप इसमें कुछ भी आइटम नहीं लेकर आते तो आपको फाइन किया जाएगा। काफ़ी अच्छा एफर्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। साथ में मैंने ये भी नोटिस किया कि यात्री भी काफ़ी ध्यान दे रहे थे कि चीज़ों को बेफजूल कहीं भी फेंका ना जाए। चिड़वासा से हम निकल चुके हैं, मौसम बदल रहा है, बरसात हो सकती है। आप बर्फ ढके हुए पहाड़ देखिए, नीचे की ओर देखिए, आपको कैंप्स दिखाई देंगे। जो लोग तपोवन ट्रैकिंग करने आते हैं फर्स्ट नाइट हॉल्ट जनरली यहाँ पर करते हैं चिड़वासा में, उस तरह के कैंप्स लगते हैं। उसके बाद कुछ लोग डायरेक्ट तपोवन निकल जाते हैं, कुछ लोग भोजवासा रुकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नाइट तपोवन। इस तरह से 4 से 5 दिन का ट्रैक बनता है इस रीजन का। सामने का पहाड़ देखो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, मौसम बदल रहा है, हल्के हल्के ओले गिरने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम डेंजर जोन से ही गुजर रहे हैं, देखिए कितना नैरो रास्ता है, ये छोटे छोटे पत्थर बहुत सारे हैं, अगर एक भी बड़ा पत्थर फिसला तो सारे पत्थर नीचे आएंगे, इस प्रकार का ये जोन है। आगे डेंजर जोन है, ऊपर देखकर आओ, लेफ्ट साइड में भी देखते आना, नीचे पत्थर पत्थर एकदम खाई है। अरे बाय गॉड स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, वाओ पीछे ओले गिर रहे थे, सो गुड। भोजवासा पहुंचने में भी 2 किलोमीटर बाकी है, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, ज़बरदस्त। देखो कितना खतरनाक रास्ता है, एक एक करके हम जा रहे हैं। वहाँ हमारा गाइड खड़ा हुआ हमें इशारा कर रहा है कि ऊपर देख लिया पत्थर नहीं है, अब आप आओ, ये देखिए, हाँ गाइड सामने से पत्थर देख रहा है और हम एक एक करके इस रास्ते से निकल रहे हैं। वाओ साथ साथ स्नोफॉल, थोड़ा तो डर भी लग रहा है क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। Thank you.
बर्फ अब ज्यादा पड़ रही है, रेनकोट पहन लेना चाहिए, नहीं तो आज हो जाएंगे पूरी तरह से गीले, तो कल गौमुख क्या कपड़े पहन के जाएंगे। बर्फबारी अब देखो स्टार्ट हो चुकी है, भाई साहब पहन लो आप भी रेनकोट। कितना गजब रास्ता है, आप जब गौमुख आएंगे ना रेनकोट जरूर लेकर आइए और दो या तीन स्पेयर सॉक्स लेके आना, हो सके तो जूते भी स्पेयर लेके आना, मैं स्पेयर जूते नहीं लाया। सुबह जल्दी यात्रा के स्टार्ट करिए, 6 बजे हम लोग ने प्रैक्टिकली 8:30-9 बजे यात्रा स्टार्ट करी, ये गलत बात है। चिड़वासा से भोजवासा के रास्ते में एलिवेशन बढ़ती जाती है, सांस लेने में हल्की हल्की प्रॉब्लम होती है, बेस्ट तरीका ये है 10-15 मिनट चलो और 2 मिनट की ब्रेक ले लो, अच्छे से सांस लो फिर आगे बढ़ो, ऑक्सीजन की यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे जीवन में सच में ना मैं पहली बार ऐसा नज़ारा देख रहा हूँ, जब एडवेंचर तो हो ही रहा है, एडवेंचर के साथ साथ टेंशन भी है, कभी ऊपर से पत्थर ना गिर जाए, कभी हम फिसल ना जाए, कभी पाँव गलत ना बुड़ जाए, और बर्फबारी आप देखो अच्छे खासे फ्लो में स्टार्ट हो चुकी है। वाह बर्फ आप देख ही रहे हो सामने पड़ रही है, और भोजवासा हार्डली 200 मीटर दूर है। अभी मुझे भूख तो बहुत तेज लगी है, पर मैं खाना 2 घंटे बाद खाऊंगा, पहले स्नोफॉल एंजॉय करूंगा फिर खाना खाऊंगा। माय गॉड कितनी बर्फ पड़ रही है ना, टू गुड। हम लोग सोच रहे थे रात में स्नोफॉल होगी लेकिन दिन में ही हो गई, बहुत तेज भूख लगी इतनी चल चल के, लेकिन सीरियसली मन हो रहा है स्नोफॉल एंजॉय करें उसके बाद खाना खाएं, लेकिन भूख लगी है बहुत तेज, मैं तो पहले चल के खाना खाऊंगा फिर देखेंगे बाद में स्नोफॉल। भाई गॉड ये सामने आश्रम है, यहाँ भी लोग नाइट स्टे करते हैं, और आश्रम के साथ ही ये जो आप हरे रंग की हट देख रहे हो ना ये गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस है, आज हम यहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। वाओ स्नोफॉल ने तो समा बांध दिया आज के इस यात्रा के अंदर। टूरिस्ट रेस्ट हाउस भोजबासा फाइनली पहुंच गए, और मैं तुम्हें तुम्हारा टेंट दिखाऊं जहां पे हमको रात को रहना है। 32 डॉर्मेटरी तो यहां पर इस हट के अंदर है और 16 लोग रह सकते हैं टेंट में, ये आप टेंट देख रहे हैं सामने, ये है जबरदस्त टेंट। तो हम 3 लोग हैं यहाँ पर, हम रात में आराम से सोएंगे। मैंने पता लगाया जनरेटर 1.5 घंटे के लिए चलता है, शाम को 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक, और उसके बाद अंधेरा, बाद में आप कैंडल लाइट पे डिपेंड है। बर्फ पड़ी जा रही है पड़ी जा रही है। वाओ एक बार आपको अंदर की डॉर्मेटरी भी दिखा देता हूँ, हमने एडवांस बुकिंग नहीं करी थी तो अब मेरे को ये समझ में आया कि 32 जो अंदर के हैं वहाँ ऑनलाइन बुकिंग में हो जाता है, और 16 ये रिजर्व कर देते हैं वॉक इन ट्रैवलर्स के लिए, जिससे कि कोई बिना बुकिंग किया गया तो उसको निराश ना होना पड़े। फिर भी अगर लोग ज़्यादा आ जाएं तो मैंने आपको बताया सामने आश्रम है, वहाँ कम से कम 100-150 लोग रह सकते हैं, वहाँ पर नीचे बेड बिछा देते हैं, कंबल और रजाई मिल जाती है, 350 रुपये आश्रम में रहने का किराया। खाने में हमने अपने लिए 3 चीज़ मंगाई है, आलू बैंगन, आलू मटर, दाल, साथ में रोटी। रोटी बहुत बढ़िया ढंग से फुला के दी है, सामने लिस्ट लगी है यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, वेज पकोड़ा, पूड़ी भाजी, कॉर्नफ्लेक, वाह सही है। खाना बहुत शानदार बनाया है, फिनिश करके आपको इवनिंग में कैचअप करेंगे जब यहाँ पर लाइट आएगी, क्योंकि हमारे GoPro की बैटरी खत्म हो गई है। सुबह 9 बजे हम गंगोत्री फॉरेस्ट गेट से चले और जाके शाम को 4:15 बजे पहुँचे भोजवासा। अब पिछले 2 घंटे से मैं ऐसे ही टहल रहा था, मौसम का आनंद ले रहा था, पहले तो 1-1.5 घंटा बर्फ पड़ती रही, हम लोगों ने लंच भी कर लिया। अब देखिए बाहर मौसम कितना अच्छा है, इस समय शाम के 7:30 बज चुके हैं, यहाँ पर क्या करते हैं लाइट तो है नहीं, 1 घंटे के लिए जनरेटर चलाते हैं, अभी जनरेटर चला है, और हम लोग अपने कैमरे की बैटरी का चार्जर लाना भूल गए हैं, तो
तो हमारे पास एक ही स्पेयर बैटरी है जिसमें कल हमको गौमुख की शूटिंग भी करनी है और वापस गंगोत्री धाम तक भी जाना है। एनीवेज विल ट्राई कि उसको लिमिट लिमिट करके करें, जिससे कि हमारा ऐसा ना हो कि बाय द टाइम हम गौमुख पहुंचे तब तक बैटरी एग्जॉस्ट हो जाए। 5 मिनट के अंदर जनरेटर बंद हो जाएगा, फिर पूरा अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर और हम सब सो जाएंगे। कल सुबह आपसे कैचअप करते हैं 6:30 बजे जब हम गौमुख की यात्रा शुरू करेंगे। अभी के लिए गुड नाइट। बेड आपने हमारा देख ही लिया, यहाँ पर 5 बेड खाली हैं जिस टेंट में हम हैं, तो इनके कंबल हम लोग यूज़ कर लेंगे और आराम से कंफर्टेबली सो जाएंगे। कल आपसे कैचअप करते हैं, अभी के लिए गुड नाइट। सुबह 6:15 का टाइम है, इतनी ठंड लग रही है कि हाथ ऐसे ऐसे करी जा रहे हैं गर्माइश लेने के लिए। देखिए सामने पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। भागीरथी पीक पूरी बर्फ से ढकी हुई और आप नज़ारा देखिए। ठंड तो मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त है, रात भर टेंट में हमको बहुत ठंड लगी। चलिए गौमुख की यात्रा आरम्भ करते हैं। भोजबासा से अभी हम हार्डली 300 मीटर आए हैं, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। सबसे बेहतर रहेगा 10 मिनट चलो और 5 मिनट की ब्रेक ले लो, अच्छे से सांस लो और फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू। ये टोटल 4 किलोमीटर की यात्रा है भोजबासा से गौमुख की। इस समय यहाँ पर बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन सच पूछोगे तो नज़ारा इतना खूबसूरत है, मन हो रहा है इस जगह बैठे और काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स लें और बस देखते रहे इतने खूबसूरत नज़ारे को। हमारे गाइड ने हमें बताया सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसको गणेश पर्वत कहा जाता है और उसके साथ जो आप पर्वत देख रहे हैं वो शिवलिंग है। पुरानी कथा के अनुसार गणेश भगवान और कार्तिकेय को धरती के 3 चक्कर लगाने थे। ऐसा कहा जाता है गणेश भगवान ने अपने माता पिता को अपना संसार मानकर माँ पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा इसी शिवलिंग पर्वत पर करी थी। भागीरथी नदी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट यानी उद्गम स्थल गौमुख ग्लेशियर है, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इसकी लेंथ 30 किलोमीटर और विड्थ 4 किलोमीटर। आप मई से अक्टूबर तक यहाँ पर आ सकते हैं। विंटर्स में गंगोत्री नेशनल पार्क टूरिस्ट के लिए क्लोज रहता है। अरे ये तो पानी जम गया यहाँ पर, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे अभी डेंजर है, तो सर हमें पांव संभल के रखना होगा और स्टेप टिका के रखना होगा। ओके सर। ओके जी। बड़े बड़े पत्थर है, पत्थर वाकई बड़े बड़े हैं और एक जगह गलत पांव पड़ गया ना पांव मुड़ जाएगा। बिल्कुल नीचे देखते हुए पहाड़ के ऊपर बर्फ पर जब सूरज की किरणें पड़ रही हैं, इनको देखना बहुत ही अद्भुत एहसास है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जोश आई जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी भी बढ़ती जा रही है। हाई ऑल्टीट्यूड में सांस लेने में जो प्रॉब्लम आती है ना, उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ है। मैंने भी पौधे से ये गंगा तुलसी तोड़ी है, ऐसे सूंघो और आप 5-10 मिनट तक इजी हो जाएगा ब्रीदिंग। साथ ही में हम ना देसी कपूर लाए थे साथ में, ये वैसे टेम्प्रेरी रिलीफ तो दे देता है लेकिन इसमें क्या चक्कर आ जाता है ज़्यादा सूंघ लिया तो। ये हमने ऑक्सीजन सिलेंडर गंगोत्री से लिया था 600 रुपये का, यूज़ नहीं हुआ तो हम इसको रिटर्न कर देंगे और हमको 500 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। अभी तक हमें एक्चुअली में जरूरत नहीं महसूस हुई। इस समय हम गौमुख से 1.5 किलोमीटर दूर है, गौमुख हमारे ठीक सामने है, यहां से हम देख भी पा रहे हैं भागीरथी पर्वत के नीचे
बहुत खूबसूरत नजारा। राइट हैंड साइड में आप देखिए हम शिवलिंग के कितने नजदीक आ गए। पानी देखो यहाँ पर जमा हुआ है, ऊपर बर्फ की पावड़ी बनी हुई है, नीचे से झरना निकल रहा है। इस पे अगर पाँव रखा ना तो फिसल जाएंगे पक्का। जय माँ गंगे। जय माँ गंगे, जय भोले बाबा की। पूरी लेयर जमी हुई है। इस समय हम गौमुख से हार्डली आधा किलोमीटर दूर हैं। हम गौमुख तक नहीं जा पाएंगे, कारण मैं आपको 100 मीटर आगे जाके दिखाता हूँ। मेरे को याद आ गया, आज से 6 साल पहले मैं और मेरी वाइफ गौमुख आए थे। हमने सुबह 6 बजे गंगोत्री से यात्रा स्टार्ट करी थी, 2 बजे हम गौमुख पहुँचे थे और सेम डे रिटर्न हम लोग गंगोत्री 8:30 बजे पहुँच गए थे। मैं 6 साल पहले का सिचुएशन और आज की सिचुएशन कंपैरिजन कर रहा हूँ, मेरे को वाकई लग रहा है मेरा स्टैमिना बहुत कम हो गया। आप सामने ये ग्लेशियर देख रहे हैं जिसके अंदर क्रैक आ गया। आज से 3 दिन पहले तक गाइड यहाँ से यात्री को पार करवा दिया करते थे और वहाँ से गौमुख चले जाया करते थे, लेकिन कल रात को यहाँ पर क्रैक आ गया, इसकी वजह से अब ट्राई करना भी कम्प्लीटली अनसेफ है। गौमुख आके गंगा माँ के दर्शन करके सच में जीवन सफल हो गया। हर हर गंगे। बहुत ठंडा पानी है। अब हम यहाँ से भोजबासा की ओर वापस जा रहे हैं। 4 किलोमीटर का रिटर्न सफर करने में लगभग हमें 1.5 घंटा लगेगा। 11:45 हो चुके हैं। आज हमको भोजबासा से वापस गंगोत्री भी जाना है। अभी नीचे जाते समय कंफर्ट लेवल ज्यादा है, उसके 2-3 कारण है। एक तो बढ़िया से धूप निकली हुई है, दूसरी बात हमें इस तरह के वेदर की ना भी आदत हो गई है, तो ब्रीथ करने में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं हो रही। साथ में अब थोड़ा नीचे जा रहे हैं तो ऑब्वियस है उतरना कंपैरेटिवली आसान है। साढ़े 12 बजे अभी हम भोजबासा वापस पहुंचे हैं। आते सार अपने लिए हमने पूड़ी भाजी मंगाई। मैंने कल भी नोटिस किया और आज भी नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ का जो फूड है जो यहाँ पर बनता है गढ़वाल मंडल पे, बहुत सिंपल है और घर जैसा खाना है। ये बड़ी बड़ी बात है कि सोचो पहाड़ में कितना ऊपर आपको रेडी फूड मिल रहा है खाने के लिए। अदरवाइज देखो ना, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर और हम यहाँ फूड एंजॉय कर रहे हैं। भोजबासा से अभी हम निकलने वाले हैं, तो एक बार चलने से पहले आप टेंट भी देख लीजिए जहां पर हम कल रात में रुके थे। ये इस किस्म की डॉर्मेटरी है, 4 बेड इस तरफ और 4 बेड इस तरफ, कंबल और रजाई देते हैं। ओवरऑल स्टे काफी कंफर्टेबल रहा। मुझे लगता है बाहर रुकने में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि ठंडी लगती है, अदरवाइज फन और एंजॉयमेंट बाहर की तरफ ज्यादा है। मेरा मतलब है टेंट में रुकने में एंजॉयमेंट ज्यादा है। गौमुख यात्रा से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब आप गंगोत्री आएंगे तो आपको कम से कम एक दिन गंगोत्री में रुकना चाहिए, अगले दिन गौमुख की यात्रा आरंभ करनी चाहिए जिससे कि आप हाई ऑल्टीट्यूड से एडजस्ट हो जाए। वुलन के साथ साथ आपको अच्छी क्वालिटी का रेनकोट भी जरूर लेके आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी बरसात हो सकती है, मौसम बहुत अचानक बदल जाता है। सुबह 6 बजे आपको यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए जिससे कि आप 11:30 या 12 बजे तक भोजबासा पहुंच जाए। अगर आप लेट हो जाते हैं भोजबासा पहुंचने में, 3 या 4 बजे पहुंचते हैं, तो नाइट स्टे भोजबासा में करिए और अगले दिन आप गौमुख जाइए और गौमुख से वापस लौटकर भोजबासा, देन बैक टू गंगोत्री। अगर आप 11:30-12 बजे तक भोजबासा पहुंचते हैं तो सेम डे आप गौमुख करिए, वो थोड़ा बेहतर रहेगा। भोजबासा में जो गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस है उसके लिए मेरी सजेशन, आप एडवांस में बुकिंग कर लीजिए। अब बात करते हैं वॉकिंग स्पीड की।
गंगोत्री से जो पहली लेग जर्नी किया चिड़वासा तक की 9 किलोमीटर की, वहां हमने नोटिस किया एवरेज वॉकिंग स्पीड आती है 15 मिनट में 1 किलोमीटर। चिड़वासा से आगे का भोजवासा का 5 किलोमीटर का सफर 20 से 25 मिनट में 1 किलोमीटर कवर होता है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है प्लस आप भी थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं। भोजवासा से गौमुख जो आखिरी 4 किलोमीटर का सफर है उसमें हमने नोटिस किया 30 मिनट में एवरेज आप 1 किलोमीटर कर सकते हैं, तो आना जाना आप 4-4.5 घंटे में आसानी से कर सकते हैं। हालांकि हमें 6 घंटे लगे क्योंकि हम बीच बीच में व्यू एंजॉय कर रहे थे, काफी ब्रेक्स ले रहे थे, अदरवाइज ये पूरा सफर बहुत मजेदार है, बहुत अच्छे सीनिक व्यूज है। सिर्फ एक मैंने छोटी सी चीज नोटिस करी गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस में, जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पर ना रहने का स्टे तो काफी कंफर्टेबल, डॉर्मेटरी जैसे आपने देखा टेंट भी है अंदर भी है, लेकिन टॉयलेट्स केवल 2 हैं, तो वो एक चीज है जो मुझे लगा वर्थ हाईलाइटिंग, अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये हाई डेंजर जोन है, पत्थर कभी भी ऊपर से गिर सकते हैं। ऐसे रास्तों पर बहुत संभल के चलना जरूरी है। कल पोनी स्टार्ट नहीं हुई थी, आज स्टार्ट हुई है, आज स्टार्ट होगी पोनी। तो आप भोजवासा तक जाते हो कि आगे भी जाते हो? भोजवासा तक। बिना रुके चिड़वासा पहुंच गए, अब यहां पर मैगी खाएंगे और एक चाय पी जाएगी। मैगी खाली, चाय पी ली, अब हम चिड़वासा से निकल रहे हैं। भोजवासा से चिड़वासा का सफर हमने 5 किलोमीटर का 1.5 घंटे में किया, यहां से चल रहे हैं। अगला डेस्टिनेशन हमारा 9 किलोमीटर दूर है, ये वही ग्लेशियर है जो हमने आते समय भी देखा था। अभी हमें लगभग 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता और कवर करना है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस गंगोत्री पहुंचने के लिए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना वॉटरफॉल। देखो कितने नैरो रास्ता, वाकई में डर लगेगा अगर पोनी के ऊपर बैठ भी जाओ ना, आदमी को लगेगा कि पैदल चलो इससे तो बढ़िया। ये देखो नीचे कितना गहरा है। पांच बजने को है फॉरेस्ट चेकपोस्ट पहुंचने के लिए, अभी हमको 2 किलोमीटर का सफर और करना है। शाम को 5:30 बजे हम फॉरेस्ट चेक पोस्ट लौट के वापस आ चुके हैं आपके सामने। आज काफी हम थक चुके हैं, आज के दिन में हमने 22 किलोमीटर की यात्रा करी है, सुबह 8 किलोमीटर और उसके बाद 14 किलोमीटर। कल हमारा प्लान है मॉर्निंग में गंगोत्री थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद हरसिल, कोशिश करेंगे कल नाइट स्टे हम उत्तरकाशी में करें। आज का सफर बहुत अच्छा रहा, गौमुख आप जानते हैं कितना खूबसूरत, ओवरऑल सीनिक व्यूज बहुत औसम है उत्तराखंड में। जल्दी मिलेंगे नया एपिसोड, आज के लिए गुड बाय, जय गंगा माता की। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हम लोकल गंगोत्री घूमे और उसके बाद हम हरसिल के वहाँ पर हमने सीनिक व्यूज बहुत इंजॉय करे। जैसे हमने गौमुख यात्रा में देखा एकदम अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, इसी प्रकार के एनवायरनमेंट का हमको एहसास हरसिल में भी हुआ। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटिंग जर्नी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।